जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है, ये मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन थी। जो हुआ वो तो मतलब है, इसकी बरसी है। हाँ हाँ, और हम गुरुद्वारा से अरदास के उपरांत ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसका सपना भी था ये। वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही राहुल की टीम में है। मैंने तो वो मुझे लगा था। हाँ, वो कनेक्शन था, स्पेशल लड़का था बिल्कुल। वो जब छोटा था तब से करता था, तब से इसमें इंटरेस्ट था, शौक था सर। कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मतलब जैसे फिफ्थ क्लास में पढ़ता था पहले, तो स्कूल में इनके भाषा विभाग के कंपटीशन होते हैं। हाँ। पंजाबी भाषा की, उसमें भी बाहर गई थी इसने, तो वो सेकंड आई। तब हमें लगा भी यार इसमें थोड़ा सा कीड़ा गायकी का है। मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था जाके जीएनई कॉलेज में, जब बीटेक करते थे, तो मेरे सामने नहीं गाता था। अच्छा, तो मैं कितने मगर आपको मालूम था कि गाता है? हाँ गाता है, लेकिन वाशरूम में कमरा बंद करके। अच्छा। जब बोल देते थे ना हम दोनों भाई बैठ कर भी, हमें तो सुना दो गाना, आपके सामने नहीं गाऊंगा। तो मैं इसको बिना बताए हुए थिएटर में पहुंच गया ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठ गया। उसको मालूम नहीं था? नहीं मालूम था। तो जब इसने बाहर गाई तो पूरा कलम करो की तरह इधर गया ऐसे ऐसे किया, तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर इसको बाद में पता चल गया, तो कहना मेरे को बहुत खुशी हुई है मेरे पापा। मगर आपने कब बताया, उसी टाइम बताया या बाद में बताया कि मैंने देखा? तभी उसको पता चल गया मेरा बेटे का। अच्छा। मैं प्रोफेसरों वाली लाइन में बैठ गया, तो मेरे को फिर वो HOD थे सरदार साहब जो प्रोफेसर है, वो बोलते हैं सर आप इसको रोकना मत, भी बहुत आगे जाएगा, आप ये मत सोचना भी इलेक्ट्रिकल BTEC की है तो ये हमारा लड़का तो SDU लगेगा या वो कुछ लगेगा। लेकिन मैं उसी दिन से पल्ले बांध ली बात भी, इसको रोकना नहीं है जहाँ भी जाता जाने। तो मैंने कनाडा भेज दिया, कनाडा जाके तो और ही कुछ बनकर आ गया। जिसके कलाकार के ऊपर भी ऐसे हाथ रख दिया वो भी हिट, जिसका गाने में नाम ले दिया वो भी हिट। तो क्या था ये आपके मुताबिक, ये हो क्या रहा था? स्पेशल तो था। सिद्धू ने एक मिसाल कायम कर दी भी अपने मापियाँ के साथ अटैचमेंट को किससे गहरा करना। उसके जाने के बाद वो बात समझ रहा हूँ आज, वो मेरे को क्यों बोलता था बार बार पापा आप ने तो बहुत कुछ देख, इस चीज़ का उसको मालूम था, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़े हुए। शहर पॉलिटिक्स में आने का उसका मकसद ये कि था भी मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, जब मेरे को थोड़ी पावर मिलेगी ना ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। क्योंकि झुकना वो जानता नहीं था, ये लोग बोलते थे काम करना है तो हमारे नीचे लग के कर, ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर। उसके जब इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा बेटा बापू कमल फूल वाले फ़ोन कर रहे हैं। मुझे ना तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले लूँ तो बहुत फ़र्क होता है एक आम इंसान का और एक आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया, तब उस समय मेरे बेटे की मौत के ब्रंट निकल चुके थे। तो उसने बोल दिया पूरे को 5:15 बजे हमला होता है, 7:30 तक पूरे शहर में नाका नहीं लगा कहीं, AK-47 का ब्रस्ट मार दिया। ब्रस्ट मारने से फिर उसकी बाजू यहाँ से चढ़ गई, इतना मोरा निकल गया यहाँ पे, तो इधर से उसका जिगर कंडम हो गया। फिर उसको वॉमिट आई बहुत प्रेशर से, फिर नज़दीक आके फैर मार दी। फिर थोड़ा घेर पे जो सेंटर में ऐसे ही पड़ा था जब मैंने उठाया जाके, और मैं 5 मिनट उसके पीछे था बस। कत्ल करने के बाद दोषी 1.5 घंटा हमारा एक बाटर बॉक्स है ख्याला गाँव है, उसके बाटर बॉक्स के ऊपर बैठे रहे ऐसा। इसकी जांच तभी होगी जब अपना अलायंस आएगा। नहीं हम तो कराएंगे आपकी कमांड, मेरे को बस इसीलिए भरोसा है, मैं जब तक रहूँगा तब तक कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा और बिना किसी लालच के। अभी मेरे 5 स्टंट पड़े हुए हैं, मेरे को डॉक्टर ने बोला धूप में नहीं जाना, लेकिन मैं 6 सीट के ऊपर रोज के 10-10 प्रोग्राम करता था, झारखंड UP MP मैं पर पूरे भारत में पूरे लोग मेरे से। एक बंगाल से टीम आई पैदल चलकर 1.5 महीने में पहुंची करते हैं, लेकिन हर जगह उसको प्यार करने वाले हैं। हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब बिल्कुल मेरे को बेसिक है। आप नाम भी बोले आपके तो मेरे को बेसिक, क्योंकि आप मेरे जैसे हालात से निकले हैं,
आपके घर में वो कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है इस बात को भी कैसी फीलिंग होती है, कैसे परिवार में खिलारा पड़ता है। सर जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, जब आपका बच्चा मर जाता है तो आपका कमाया हुआ पैसा भी आपकी मौत बन जाता है। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जिस दिन मेरे बेटे की अरदास हुई थी उस दिन एक अरदास की थी भी हे भगवान मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूँगा, जो कुछ भी मेरे पास बचा मैं फिर से एनर्जी इकट्ठी करूँगा और मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। और तो आपके सामने छोटा सिद्धू आ गया डिटो कॉपी, बिल्कुल उतना ही प्यारा वही सब कुछ। तो भगवान करे आप सरकार में आए तो फिर दिन बदलेंगे कभी और दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। बहुत अच्छा लगा।